आज कोई इंसान अगर कुछ कर सकता है, कुछ करता है, तो वो उनको आगे बढ़ाता है। और धर्म के क्षेत्र में अगर कोई कार्य करता है तो वाकई ही वो बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे आज श्रीमान अनिल जी बरजात्या जी, जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को धर्म के कार्यों में समर्पित कर दिया। ये कहते हैं कि बचपन से ही ये धर्म की प्रभावना भी करते आए हैं और आज आप सबके सामने BBTV यानी भरत बाहुबली TV के माध्यम से भी हर घर में, हर जगह, चाहे वो देश हो या विदेश हो, हर क्षेत्र में धर्म की प्रभावना आप सबके सामने मौजूद है। कलकत्ते जब मैं आया तो यहाँ पे नवयुवक मंडल, हमारे एक दिगंबर जैन समाज की युवकों की संस्था थी, मैं उससे जुड़ गया। नवयुवक मंडल ने काफ़ी काम किए। बेलगच्छिया का जो मानसतम का मेला हुआ, पंचकल्याणक मेला हुआ, उसमें हमारा भरपूर योगदान रहा। तो नवयुवक मंडल में भी मैं काफ़ी दिन तक रहा था। नवयुवक मंडल करीबन 12-13 साल तक बहुत अच्छी से चली। फिर मैंने यहाँ पे व्यापार जमाया, फर्म का नाम रखा अनिल कुमार अजीत कुमार शेरवानी वाला के नाम से, पूरे कलकत्ते में व्यापार को फैलाया। इसी में मेरे को एक सौभाग्य मिला, मेरे को, मैं जब डबसन रोड में रहता था तो मेरे को डबसन रोड में जो अभी वर्तमान में मंदिर बना हुआ है, भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की जमीन का सौदा मैंने अपने लिए किया था। परंतु उस वक्त सुभाषमती माता जी यहाँ पधारे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं, यहाँ पे तेरा घर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, इसलिए तुम पीछे हट जा। तो मैंने वो फिर जमीन मंदिर के हिस्से में छोड़ करके मैंने उसका सौदा अपना कैंसिल किया और अपनी तरफ से वो मंदिर के लिए मैंने वो ज़मीन छोड़ दी और फिर वो वहाँ पे मंदिर बना। उस मंदिर का प्रथम ट्रस्टी बनने का सौभाग्य भी मेरे को प्राप्त हुआ और वहाँ पे आज भव्य दिगंबर जैन मंदिर है जो कि मेन रोड पे है। और कलकत्ते में मेरे ख्याल से क्या कहीं पर भी ऐसा मेन रोड पर इतना अच्छा सुंदर मंदिर नहीं है। बंगाल बिहार उड़ीसा हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी है जिसपे 20-22 साल पहले कुछ नाजायज लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, तो श्रीमान हरिचंद जी पांड्या ने, अजीत जी पाटनी ने, हजारीमल जी पांड्या ने मेरे को, हम सब लोग वहाँ पे सक्रिय हुए। फिर जिन्होंने नाजायज कब्जा किया उन लोगों से हमने कब्जा छुड़ाया और फिर वहाँ पे उस कोटी को पूरा वापस कलकत्ते समाज के अंतर्गत लाए। फिर उसके बाद में हमने वहाँ का चुनाव करवाया, उस चुनाव में मैं निर्विरोध ट्रस्टी चुना गया, निर्विरोध मेरे को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कोषाध्यक्ष बनने के बाद में मैंने वहाँ पे जो कैश का हमारा काउंटर था उसको कंप्यूटराइज करवाया। एक पीछे हरियाणा भवन बनवाने में मेरा योगदान है, एक पीछे 28-28 कमरे की 3 धर्मशाला बनी उसमें मेरा पूरा योगदान था। तेरहपंथी कोटी पीछे में जो मैदान में हरियाणा भवन बना, 28-28 कमरे की 3 धर्मशालाएं बनी, बंगला परिसर को हमने ठीक करवाया, मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करवाया। 5 साल तक मैं बिना मेंबर के कार्य करता रहा। उसके बाद में मैं जब कोषाध्यक्ष बना, कोषाध्यक्ष बनने के बाद में मेरे पास में एक पहाड़ पर जमीन का सौदा आया, 6.5 एकड़ का सौदा। आज तक दिगंबर जैन समाज की 13 पंथी कोटि की या दिगंबर जैन समाज की पहाड़ पर 1 इंच जमीन नहीं थी। ये जमीन मैंने ही 13 पंथी कोटि के लिए वहाँ पे 14 लाख रुपए में खरीदी, जिसके आज बहुत बड़ी कीमत है। और सबसे बड़ी अपने लिए सौभाग्य की बात है कि दिगंबर जैन समाज की 1 इंच जमीन जिस पहाड़ पर नहीं थी, उस जमीन पर, उस पहाड़ पर मेरे द्वारा 6.5 एकड़ जमीन मात्र 14 लाख रुपये में खरीदी गई। ये मैंने कोटी के लिए खरीदी, चाहता मैं खुद के लिए भी खरीद सकता था परंतु मैं कोषाध्यक्ष था, वहाँ की भावनाओं से जुड़ा था, इसलिए मैंने कोटी में ही खरीदी। तो कोटी में ही वो आज जमीन है और बहुत बढ़िया जमीन है। उसके पास में पानी का झरना बहता है। पहाड़ पे पहली बात तो जमीन ही नहीं है, इसमें ये एक जमीन मिली जो मैंने खरीदी, तो समाज के सहयोग से ये सब काम हुआ। ये जमीन आज भी वहाँ पर है और आज तो अगर अपन लेने जाए तो उसका दाम 8-10 करोड़ रुपये है। उसके बाद में मैं 20 साल तक बंगाल बिहार से जुड़ा रहा। उसके बाद में भरत बाहुबली TV चैनल शुरू करने का सौभाग्य मिला, तो ये आचार्य श्री के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से इसको चालू किया। फिर मैंने एक योजना लाया वहाँ शिखर जी पारसनाथ अरिहंत आवास, ये योजना मैंने शुरू की, किसी कारणवश ये योजना नहीं चल पाई। तो इसमें से फिर मैंने 10,000 फुट जमीन आसाम वालों को निःशुल्क भेंट स्वरूप दी है, इसमें वो अपना भवन बनाएंगे, जिसका मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैंने खुद वहाँ पर शिखर जी की तलेटी में मध्य लोक के पीछे, जब मैं कोषाध्यक्ष नहीं था, खाली साधारण मेंबर था, तब एक ज़मीन मैंने खुद ने और पर्सनल खरीदी। 6.5 एकड़ ज़मीन जो मैंने खरीदी मध्य लोक के पीछे, वो मैंने अपने पर्सनल पैसे से खरीदी। जिस वक्त मैं कोषाध्यक्ष नहीं था, कमेटी का साधारण मेंबर था, मेरे पास सौदा आया, मैंने खरीद लिया। मैं अपने को जैन धर्म के लिए ले लें अच्छा रहेगा, कोई दूसरा लेगा उससे बढ़िया अपने जैन धर्म के पास रहेगी, वो सोच करके मैंने खरीदी। उसमें से 6.5 एकड़ में से 1 एकड़ ज़मीन प्रमाण सागर जी के आदेश से मैंने गुणायतन को निःशुल्क प्रदान की है, जिसकी कार्यवाही चल रही है, उसकी रजिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। 1 एकड़ ज़मीन मैंने आचार्य चैतन्य सागर जी महाराज को
निःशुल्क वहाँ पर विमल सागर समाधि या उपवन बनाने के लिए प्रदान की है। 4.5-4 एकड़ जमीन अभी और है, वह भी वहाँ पर मेरे पास में, उस पर भविष्य में जैसा भी होगा करेंगे। और शिखर जी में हमेशा दिया ही है, वहाँ से 1 रुपया आज तक लाया नहीं है, और आगे भी भावना ये रहती है कि भाई शिखर जी अपने 20 भगवान की मोक्ष स्थली है, वहाँ पर जितना कार्य करें उतना थोड़ा है। बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ, वहाँ की रग रग से मैं परिचित हूँ, वहाँ की ज़मीनों को कैसे क्लियर किया जा सकता है, क्या क्या काम वहाँ करने हैं, वो मेरे को सारे नॉलेज में है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में मेरा खुद का प्रोजेक्ट था, इसलिए मैं खाली कमेटी मेंबर बना, किसी पोस्ट पे नहीं आया। परंतु अब मेरी भावना है कि वहाँ की पूरी व्यवस्था को सुधारा जाए। तहे दिल से ये हम सब चाहते हैं कि आप अध्यक्ष बने अनिल भाई साहब, और विकास के पथ पर जिस तरह से आप चल रहे हैं और भी शायद विकास हो। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे अगर कोई अध्यक्ष बनेंगे वो विकास नहीं कर सकते, वो बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अनिल भाई साहब ने कहा कि वो 20 सालों से इसी कार्य में जुड़े हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही हम तहे दिल से चाहते हैं कि इस बार भी इलेक्शन में अध्यक्ष के रूप में श्रीमान अनिल जी बरजात्या जी उभर कर आएँ।